दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने यूएसबी जो आपका पेन ड्राइव होता है, यानी कि आपको यूएसबी फ्लैश ड्राइव के अंदर मल्टीपल पार्टीशंस अगर आपको क्रिएट करने होते हैं तो वो आप पार्टीशन कैसे क्रिएट करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, अभी ये मैंने भी अपने सिस्टम के अंदर मेरी अपनी पेन ड्राइव ने लगाई हुई है और इसकी कैपेसिटी है 16 GB की। तो इसी के अंदर मैं आपको अलग अलग पार्टीशन जो है वो आपको इसमें करना बताऊंगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि विंडो की के साथ में आर की प्रेस करेंगे और इसमें जो है आपको डिस्क मैनेजमेंट, यानी कि आपको जो टाइप करना है वो टाइप करना है DISKMGMT.MSC। तो जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके सामने डिस्क मैनेजमेंट का जो है ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। अब इसके अंदर इसका एक सेकेंडरी मेथड और है, यदि मैं इसे क्लोज करता हूँ और यहाँ पे आप माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ होता है मैनेज, और मैनेज के अंदर होता है डिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आप देखेंगे डिस्क 0 हार्ड डिस्क है और डिस्क 1 ये मेरी पेन ड्राइव है। तो यहाँ पे इसका एक वॉल्यूम है अभी और ये है FAT32 इसकी जो फॉर्मेट है। अब इसमें क्या होता है, जब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो अभी यहाँ पे देखिए ये श्रिंक वॉल्यूम जो है ये अभी डिसेबल है। तो यानी कि इसको इनेबल करने के लिए आपकी जो पेन ड्राइव है उसको आपको कन्वर्ट करना होगा FAT32 से NTFS फॉर्मेट के अंदर। तो ये FAT32 और NTFS, यानी दो अलग अलग इसकी फॉर्मेट होती है। तो FAT32 जो होती है ये पुरानी टेक्नोलॉजी है और NTFS अपने आप में एक नई टेक्नोलॉजी है। अब दोनों में जो फ़र्क है मैं अभी आपको ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि अभी ये मेरी जो पेन ड्राइव आप देख रहे हैं ये इसकी कैपेसिटी अभी यहाँ पे देखिए, यूज स्पेस इसमें दिखा था कि फ्री है मेरी 14.5 GB की। और इसकी फॉर्मेट मैं आपको चेक करा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे FAT32 इसका जो है फाइल सिस्टम है। तो FAT32 के अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम आप एक जो फाइल होती है आपकी, अगर आपकी फाइल 4 GB से बिलो है तो इसके अंदर कॉपी हो जाएगी, और अगर वो 4 GB से अबव है तो आप इस पेन ड्राइव के अंदर उस फाइल को कॉपी नहीं कर सकते। मैं एक सिंगल फाइल की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डाटा आपका चाहे जितना भी हो वो कॉपी हो जाएगा 14 GB से भी अबव हो, बट एक सिंगल फाइल। और इसी के अपोजिट अगर आप NTFS के अंदर उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, 4 GB से अबव अगर आपकी कोई फाइल होती है तो उसके अंदर कॉपी हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे विंडोज़ की मैंने एक ISO इमेज है मेरी, इसकी मैं आपको साइज़ दिखाता हूँ। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो इसकी साइज़ है यहाँ पे 4.28 GB। तो आप इसकी साइज़ देख रहे हैं 4.28 GB है। जब मैं इस फाइल को अपने पेन ड्राइव के अंदर कॉपी पेस्ट करूँगा, भाई पेन ड्राइव में मेरे स्पेस है 14.5 GB। अब मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके अपनी पेन ड्राइव को ओपन किया और इसमें राइट क्लिक करके मैं पेस्ट करता हूँ। तो जैसे मैं पेस्ट करूँगा तो देखिए मेरे सामने इस तरह का जो यहाँ पे एरर मैसेज आ गया, फाइल टू लार्ज, यानी कि ये जो मेरी पेन ड्राइव थी ये FAT32 इसकी फॉर्मेट है और इसी वजह से इसके अंदर जो आ गया फाइल टू लार्ज, यानी कि मेरी जो फाइल की साइज़ है 4.28 GB है। तो मुझे इसको क्या करना होगा, अब मैं इसे कैंसिल करता हूँ, बैक में यहाँ पे जाता हूँ और इस फाइल को जो है फॉर्मेट करता हूँ। ये मेरी पेन ड्राइव है, इसे मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ और फॉर्मेट के अंदर मैं इसकी जो FAT32 है इसे कर देता हूँ NTFS। और अब मैं इसे करता हूँ स्टार्ट और मैंने किया ओके। तो अब मैंने ये है इस फाइल को, सॉरी, मैंने पेन ड्राइव को जो फॉर्मेट कर दिया। अब मैं क्लोज़ करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप देखेंगे NTFS फॉर्मेट के अंदर है और अब मैं वापस जो मैंने अभी कॉपी किया हुआ है और इसी को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ मैं करता हूँ पेस्ट। तो देखिए इस तरह से फाइल मेरी वही थी। अब यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट जो यहाँ पे समथिंग जो मेरी फाइल थी विंडोज़ की ISO इमेज, वो FAT32 के अंदर कॉपी पेस्ट अगर मैं कर रहा था तो मैसेज आ रहा था फाइल टू लार्ज। और इसी पेन ड्राइव को जब मैंने NTFS फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट करने के बाद में ये फाइल इसके अंदर कॉपी पेस्ट इजी वे में हो रही है।
तो इसे मैं अभी कर देता हूँ कैंसिल, क्योंकि एक डेमो था आपको समझाने के लिए, और वापस मैं अपने जो है डिस्क मैनेजमेंट के अंदर आ जाता हूँ। मैंने यहाँ पे मैं मैनेज और यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट, तो यहाँ पे ये देखिए पहले 32 था यहाँ पे फैट 32, अब इसका जो है फॉर्मेट मैंने इसको किया और इसका टाइप मैंने चेंज कर दिया NTFS। अब इसको पार्टीशन अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ डाटा इसके अंदर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट मैंने अपने पेन ड्राइव के अंदर कॉपी किया और यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया। तो ये मैं डेमो इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब आप पार्टीशन इसके क्रिएट करेंगे तो ये डाटा आपका डिलीट नहीं होगा, ये एक सेपरेट ड्राइव के अंदर रहेगा, और जो जितना आप एक सेपरेट ड्राइव जो इसमें क्रिएट करेंगे वो आपका इसमें ब्लैंक रहेगा। अब मेरे इसके अंदर डाटा भी है, अब जब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे श्रिंक वॉल्यूम का जो यहाँ पर ऑप्शन अभी इनेबल हो गया। तो ये ऑप्शन NTFS जब आप यहाँ पे इसकी फाइल सिस्टम चेंज करेंगे फॉर्मेट, आपकी अगर पेन ड्राइव का डाटा है और उसकी अगर फॉर्मेट आपकी फेट 32 है तो उस केस में ये ऑप्शन आपका डिसेबल रहेगा। तो आपको इसके लिए अपनी जो पेन ड्राइव है उसका आपको ये तो फॉर्मेट करनी है और उसका जो फाइल टाइप है वो आपका NTFS होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये NTFS है और अब मैं इसे करता हूँ श्रिंक वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपकी जो है जितनी पेन ड्राइव की जो फ्री स्पेस है वो सब यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे 11,751, यानी मेरा अप्रॉक्स 11 GB तक का जो है ये स्टोरेज इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं एक स्पेस सेपरेट बनाना चाहता हूँ तो उसका जो देना चाहता हूँ मैं साइज 5,000, यानी 5 GB तक का जो है मैं एक सेपरेट इसके अंदर ड्राइव क्रिएट करना चाहता हूँ। तो वो मैंने टाइप किया और मैं कर देता हूँ श्रिंक। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे एफ ड्राइव जो है वो मेरा एक सेपरेट हो गया जिसकी साइज़ आप देखेंगे 9.64 GB, और NTFS इसकी फॉर्मेट है। और अब यदि मैं अपना माई कंप्यूटर चेक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए अभी ये मेरा जो पेन ड्राइव था इसका स्पेस कम हो गया है, और जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये मेरा डाटा इसके अंदर अभी शो कर रहा है। तो अभी इसके अंदर जो पार्टीशन एक ही दिखा रहा है ये, और दूसरा पार्टीशन है इसको मैंने अभी तक माउंट नहीं किया या लोकेट नहीं किया। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ राइट क्लिक करके, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू सिंपल वॉल्यूम, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करके फिर आपको करना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी अगर आपको इसका और पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ साइज दी गई है कि मिनिमम डिस्क का जो स्पेस है आप 8 MB तक का इसमें आपको रखना है, और मैक्सिमम जितने आपकी पेन ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो मुझे इसके अलावा इसका पार्टीशन क्रिएट नहीं करना, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट। अब आपको असाइन क्या करना है, इसका कौन सा ड्राइव आपको रखना है, वो ड्राइव जैसे एफ है इसने बाय डिफ़ॉल्ट डी ड्राइव लिया है, इस ड्राइव लेटर को भी आप चेंज कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे जी कर दिया, और जी करने के बाद में अब मैं करता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी आपके सामने ऑप्शन हो जाता है कि इस ड्राइव को आप किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, NTFS में रखना चाहते हैं या फैट 32 के अंदर रखना चाहते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, फैट 32, NTFS। अगर आपको ये फैट 32 में रखना है तो आप फैट 32 सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ वॉल्यूम का आपका नेम क्या देना चाहते हैं वो नेम भी आप यहाँ से चेंज करना चाहते नेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका नेम किया MP, और अब मैं इसे कर देता हूँ नेक्स्ट, और इसे मैं कर देता हूँ फिनिश। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे दो मेरे जो है डिस्क के पार्टीशन क्रिएट हो गए हैं। अब मैंने इसे किया कैंसिल, इसे भी मैंने किया कैंसिल। अब इस तरह की जो एरर है ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो पार्टीशन आपने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे देखिए जी तरह का जी ड्राइव यहाँ पे एक क्रिएट हो गया है। देखिए ई एफ जो मेरा NTFS फॉर्मेट में था, और ये MP मैंने इसका वॉल्यूम दिया, और ये जी ड्राइव जो है इसके अंदर इसका आप फाइल टाइप देखेंगे तो ये फैट 32 के अंदर है। अब मैं वापस अगर अपने माई कंप्यूटर पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए मेरी पेन ड्राइव के दो पार्टीशन क्रिएट हो गए हैं। फर्स्ट पार्टीशन मेरा 9.5 GB का है, और सेकेंड वाला जो पार्टीशन है ये मेरा 4.8, यानी कि अप्रोक्स ये भी 5 GB तक का है। तो मैंने अपनी पेन ड्राइव के जो है दो पार्टीशन क्रिएट कर दिए, और दोनों पार्टीशन में आप देखेंगे इसके अंदर जो मेरा स्टार्टिंग का डाटा था, डाटा किसी भी तरह से कोई भी करप्ट नहीं हुआ है, फाइल्स मेरी वैसी की वैसी है।
और इस ड्राइव के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे अभी कुछ भी मेरा इसके अंदर अभी कंटेंट नहीं है। तो जो भी आप कंटेंट इसके अंदर बनाना चाहते हैं या फाइल फोल्डर जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं आप इसके अंदर इजी वे में क्रिएट कर सकते हैं। किसी को भी आपको कॉपी पेस्ट करना है तो वो कॉपी पेस्ट भी आप इसके अंदर इजी वे में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पेन ड्राइव के अंदर अलग अलग पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं और उसके आप फाइल टाइप भी अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी के अंदर अगर आप NTFS रखना चाहते हैं और किसी में आप FAT32 रखना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पेन ड्राइव के अंदर दो अलग अलग, इसके अलावा मल्टीपल पार्टीशंस अगर आप और क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी जितनी भी USB होती है उसमें मल्टीपल जितने आपको पार्टीशन क्रिएट करने हैं आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।